हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज के शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रजामंडल से रिलेटेड ट्रिक, जो कि हमें याद करने में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, जिसमें कि किसके प्रजामंडल का कौन सा अध्यक्ष है, कब किस प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो बहुत सिंपल और ईजी वे में और छोटी ट्रिक्स के साथ हम इस टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रजामंडल। सबसे पहले ईयर कौन सा आता है? 1931। अब ईयर इजीली हम कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक से ही ईयर याद रखे जा सकते हैं। हमें केवल 5-6 लाइंस याद रखनी है, जिससे हमारे राजस्थान के सारे प्रजामंडल याद हो जाएंगे, उनके अध्यक्ष और उनका सन समेत। कौन सा है सबसे पहले? जब पहली ट्रिक क्या है? जब 31 रुपए में कपूर से क्रांति होती है, तो 36 रुपए में चिरंजीव लाल जयपुर में पुनः स्थापना करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज से कौन सा प्रजामंडल है? तो ज से है जयपुर, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल। और ब से, ब का मतलब है बूंदी प्रजामंडल। तो क्वेश्चन आता है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो जब 31 रुपए में, यानी कि 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी। और यही मैं बात करूं आगे की, कपूर से कांति यानी कि बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन? तो कांतिलाल। अब यहीं पर आगे और ट्रिक को हम आगे जाते हैं, तो क्या आती है कि कांति होती है तो 36 रुपए में चिरंजीलाल जयपुर की पुनः स्थापना करता है, यानी कि जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना कौन करता है? चिरंजीलाल। और कब? 1936 में। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, 1931 में दो प्रजामंडल बनते हैं, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन? कर्पूर चंद पाटनी। और बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन? तो कांतिलाल। लेकिन 1936 में जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना होती है। जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना, और स्थापना पुनः कौन करता है? तो उसका नाम है चिरंजीलाल। इजी है ट्रिक। हमें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, जब 31 रुपए में कपूर से क्रांति होती है, तो 36 रुपए में चिरंजीलाल जयपुर की पुनः स्थापना करता है। तो इसमें सारी ट्रिक, इस पूरी ट्रिक में प्रजामंडल का नाम भी आ गया, उनका सन भी आ गया और उनके अध्यक्ष भी आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो 1934। ईयर आता है अब 1934। पहले 1931 में देखा था हमने, अब 1934 में किसकी स्थापना होती है? तो 34 बार हम नैनो के भंवर में फंस गए। 34 बार हम से ह का मतलब है हाड़ौती प्रजामंडल। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब? तो 34 बार, यानी कि 1934 में। और इसके अध्यक्ष कौन? तो नैनू राम शर्मा। और म यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब? तो भंवर लाल सराफ। ये इजी था। 34 बार हम नैनो के भंवर में फंस गए, तो 1934 में किसका? हाड़ौती प्रजामंडल। और अध्यक्ष कौन? नैनू राम शर्मा। और म से मारवाड़ प्रजामंडल, और अध्यक्ष कौन? भंवरलाल सराफ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा प्रजामंडल। तो नेक्स्ट 1936 में केवल एक प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल 1936 में केवल एक ही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो इसकी कोई ट्रिक बनने की संभावना ही नहीं है। तो बीकानेर प्रजामंडल 1936 में, अध्यक्ष कौन? मगाराम बेग। राजस्थान के तीन ऐसे प्रजामंडल थे जिनका गठन राजस्थान के बाहर हुआ था। तो राजस्थान प्रजामंडल बीकानेर का गठन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल, उसका गठन होता है रेवाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा में। और एक और प्रजामंडल है सिरोही, जिसका होता है कहाँ पर? मुंबई में। तो यहाँ पर 1936 में केवल हमें याद रखना है 1936 में किसका? बीकानेर प्रजामंडल। सीरीज वाइज चल रहा है, 1931 जयपुर और बूंदी, 1934 हाड़ौती और मारवाड़, और 1936 में बीकानेर। फिर 1942 आता है, और 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रघुवर दयाल गोयल।
इसमें सारी प्रजा मंडल के प्रजा परिषद भी थी और उनके अध्यक्ष भी थे, किसी किसी के मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं और कुछ कुछ के नहीं है, तो आप पर्सनली बुक से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम प्रजा मंडल और प्रजा मंडल के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। प्रजा परिषद, यहाँ पर एक फैक्ट मैंने दे दिया है बीच में, बीकानेर प्रजा परिषद कब बनी तो 1942 में, और इसके अध्यक्ष थे रघुवर दयाल गोयल। नेक्स्ट 1931 जयपुर और बूंदी प्रजा मंडल, 1934 हाड़ोती और मारवाड़ प्रजा मंडल, 1936 बीकानेर प्रजा मंडल, और दो साल बाद में फिर से आते हैं 1938। 1938 में काफी सारे प्रजा मंडल बने थे। सबसे पहले तो अहरी ट्रिक देखते हैं हम, क्या ट्रिक है। अहरी भरतपुर की गोपियों ने मेवाड़ में बलपूर्वक रमेश की शाह से 38 बार कृष्ण को धोया। तो लाइन में मेंशन है 38, यानी कि सन कौन सा है 1938। अ से अलवर प्रजा मंडल, और अलवर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन है, हरिनारायण शर्मा, पंडित हरि नारायण शर्मा। फिर नेक्स्ट है भरतपुर, यानी कि भरतपुर प्रजा मंडल, और भरतपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन, तो गोपी से गोपीनाथ यादव। फिर आता है गोपियों ने मेवाड़ में बलपूर्वक, यानी कि मेवाड़ प्रजा मंडल, और मेवाड़ प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन, बलवंत राय मेहता। ये भरतपुर के, मेवाड़ के, ये भरतपुर के, और ये अलवर के। फिर है रमेश की शाह से, शाह यानी कि शाहपुरा प्रजा मंडल, और रमेश से रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन, रमेश चंद्र ओझा। 38 बार कृष्ण को धोया, यानी कि ये सारे कब की बात हो रही है, सारे प्रजा मंडल कब बने थे, 1938 में कृष्ण को धोया, धो से धौलपुर प्रजा मंडल। और कृष्ण का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर क्या जाएगा, कृष्ण दत्त पालीवाल। किसके अध्यक्ष, कौन से प्रजा मंडल के अध्यक्ष, तो धौलपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष। फिर से रिपीट करते हैं, ट्रिक क्या थी हमारी, एक सिंपल सी लाइन है, अहरी भरतपुर की गोपियों ने मेवाड़ में बलपूर्वक रमेश के शाह से 38 बार कृष्ण को धोया। अ से अलवर प्रजा मंडल, हरिनारायण शर्मा इसके अध्यक्ष थे। फिर भरतपुर प्रजा मंडल, गोपियों से गोपीनाथ यादव। मेवाड़ प्रजा मंडल, बल से बलवंत राय मेहता। रमेश चंद्र ओझा किसके अध्यक्ष, शाह से शाहपुरा प्रजा मंडल। कृष्ण दत्त पालीवाल, दो से धौलपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष। ये थी 1938 में गठित हुए प्रजा मंडलों की ट्रिक। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर 1939 है, कौन सी है, 1939। अब तक हमने देखा था 1931 में कौन से प्रजा मंडल बने, जयपुर बूंदी। 1934 में बने हाड़ोती और मारवाड़। 1936 में बना है एक प्रजा मंडल बीकानेर, और हमने बहुत सारे प्रजा मंडल देखे, अलवर, धौलपुर, मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, ये सारे कब बने हैं, 1938। उसके एक साल बाद 1949 में भी बहुत सारे प्रजा मंडल बने। इसकी ट्रिक क्या है, काकी कौन सी होली से त्रिलोक ने 49 बार गोकुल के सिर पर तिलक लगाया। ईयर याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हम केवल ये लाइन ही याद रख लेंगे, तो उसमें सब में ईयर भी आ रहा है, मेंशन है, और उस प्रजा मंडल का अध्यक्ष भी मेंशन है। तो का से कांतिलाल चौथानी, और कांतिलाल चौथानी कौन से प्रजा मंडल के अध्यक्ष, तो की से किशनगढ़ प्रजा मंडल। फिर है को से क्या आएगा, कोटा, और कोटा प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन, नैनू राम शर्मा, जो कि हाड़ोती प्रजा मंडल के भी अध्यक्ष थे। फिर है कौन सी रोली यानी करौली प्रजा मंडल, और करौली प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन, तो इसके अध्यक्ष है त्रिलोक चंद्र माथुर। कब हुए थे ये सारे प्रजा मंडल, 49 बार, यानी कि 1949 में। गोकुल के सिर पर तिलक लगाया, यानी कि सी से सिरोही प्रजा मंडल, और सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना कहां पर हुई थी, मुंबई में। आगे हमने भरतपुर देखा था, भरतपुर में भी आप मेंशन कर दीजिएगा, रेवाड़ी में स्थापना गठन हुआ था प्रजा मंडल का। मुंबई में कौन सा प्रजा मंडल बनाया था, सी से सिरोही, और सिरोही के अध्यक्ष कौन, सिरोही प्रजा मंडल के अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट। इजी है, इतने सारे प्रजा मंडल हमने एक ही लाइन में देख लिए। लाइन क्या थी,
या ट्रिक क्या थी, तो काकी कौन सी रोली से त्रिलोक ने 49 बार गोकुल के सिर पर तिलक लगाया। फिर नेक्स्ट, 1942 में एक प्रजामंडल बनता है, जो इंडिविजुअल है हमें वो याद रखने पड़ेंगे। पहली बात, इतने सारे प्रजामंडल हम एक एक लाइन में हम याद रख रहे हैं, कोई बड़ी बात है, तो अब 50% काम हमारा इजी हो जाता है। अब हम जो एक एक ईयर में एक एक ही प्रजामंडल बना था, उसमें क्या ट्रिक बनेगी। इसलिए 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल बनता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल। गठनकर्ता कन्हैयालाल सेठिया। कौन सा प्रजामंडल बना 1942 में, कुशलगढ़ प्रजामंडल। 1944 में कौन सा प्रजामंडल बना, तो डूंगरपुर प्रजामंडल, और इसके अध्यक्ष कौन थे, भोगीलाल पंड्या। दो प्रजामंडल बने 42 और 44 में, दो साल के अंतराल में। पहला कुशलगढ़, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल, और दूसरा 44 में बनता है डूंगरपुर प्रजामंडल और उसके अध्यक्ष भोगीलाल पंड्या। नेक्स्ट है, 45 रुपए में विनोद का बाप अमृत पीकर मीठा जैसा हो गया। 45 रुपए में, यानी कि 1945 में कौन सा प्रजामंडल बनता है, बांसवाड़ा प्रजामंडल। और इस बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन, विनोद चंद्र कोठारी। विनोद चंद्र कोठारी। अमृत पीकर, यानी कि अमृत लाल पाठक या पाठक, और पी से प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन, अमृतलाल पाठक। मीठा जैसा हो गया, जैसा से जैसलमेर प्रजामंडल, और मीठा यानी कि मीठालाल व्यास। जैसलमेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन, मीठालाल व्यास। तो ये ट्रिक थी किसकी, 1945 में। ट्रिक में ही आ रहा है, 45 रुपए में विनोद का बाप अमृत पीकर मीठा जैसा हो गया। बांसवाड़ा प्रजामंडल, जिसके अध्यक्ष कौन, विनोद चंद्र कोठारी। फिर है अमृत पीकर, पी से प्रतापगढ़ और अमृत से अमृतलाल पाठक। फिर मीठा जैसा हो गया, जैसा से जैसलमेर प्रजामंडल और इसके अध्यक्ष कौन, मीठालाल व्यास। ये ट्रिक अगर हमें सिर्फ एक एक लाइन भी याद हुई और इनके सरनेम वगैरह याद नहीं हुए अध्यक्ष के, तो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से प्रजामंडल का कौन सा अध्यक्ष होगा। पूरा पूरा नाम भी याद नहीं होगा तो भी आधा आधा नाम तो ट्रिक में आ ही रहा है और ईयर भी आ रहा है, तो बस बहुत ईजी हो गया ये। 1946 में एक प्रजामंडल बनता है, कौन सा, झालावाड़ प्रजामंडल, और इसके अध्यक्ष कौन, मांगीलाल भव्य। एक ही प्रजामंडल बना है इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 1946 में कौन सा, झालावाड़ प्रजामंडल, और अध्यक्ष कौन, मांगीलाल। तो ये था हमारा वीडियो राजस्थान के प्रजामंडल का, उसकी ट्रिक थी प्रजामंडल की कौन से अध्यक्ष है, कौन से प्रजामंडल की कौन कब स्थापना हुई है ईयर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज डाउनलोड विस्तृति एजुकेशन एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सो प्लीज डाउनलोड विस्तृति एजुकेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।